हमने पिछली वाली क्लास में क्या कर लिया था, अब लोगों ने कर लिया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर में हम क्या करते हैं कि जो मोटी मोटी इम्प्योरिटीज उसमें होती है, जो भी हमें नजर आती है, जिसे हम लोग नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी हमने इम्प्योरिटीज अलग कर दी थी, ताकि जो हमारे पास ओर बचा है दैट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, अब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब ओर ज्यादा है और इम्प्योरिटीज दे आर गोइंग टू बी लेस. और इम्प्योरिटीज भी जो होती है वो किस तरह की होगी, मोस्टली वी विल सी कि उन इम्प्योरिटीज को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे या हम उन इम्प्योरिटीज को हीट करेंगे, तो वो वाली इम्प्योरिटीज जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाती है. ऐसी इम्प्योरिटीज को हम क्या बताते हैं, दे आर नोन एज वोलेटाइल इम्प्योरिटीज. ओके, सो नाउ द थर्ड मेथड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर. नाउ ओवर हियर ऑल्सो दे आर गोइंग टू बी मेनी मेथड्स जिससे अब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फाइनली जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे इन डिफरेंट मेथड्स से जो कि हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, फिर हम उनको रिफाइन कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. द फर्स्ट थिंग इज कि जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर की है, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को इज कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड ओर. ठीक है, सो जितनी कॉन्सेंट्रेटेड जो ओर होगी उसको हमने ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है, एंड दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. ठीक है, रिडक्शन से फिर हम लोग क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड जो बनेगा, जो भी हमने ओर ली उसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर उसकी हम रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन करके क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू टेक प्लेस. सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी एंड वी आर गोइंग टू गेट द मेटल. अब ये जो रिडक्शन हम करते हैं दैट इज डन बाय टू प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन दैट इज गोइंग टू बी द कैल्सिनेशन, एंड द सेकेंड वन दैट इज गोइंग टू बी रोस्टिंग. ठीक है, पर यहां पे फर्स्ट हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू अगेन टेक टू प्रोसेसेस ओवर हियर. फर्स्ट प्रोसेस इज कॉन्सेंट्रेशन ओर दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, और सेकेंड जो इसमें प्रोसेस होता है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. Conversion of ore into metal oxide. So as I just told you, we are going to do two processes. So the first process which we are going to discuss over here, that is going to be calcination. क्या होता है calcination? It is the heating of ore heating of the concentrated ore in absence of air. In absence of air, ठीक है? अब ये जो है, जो calcination process है, वो क्या क्या करेगा? It is going to convert number one. It will convert carbonate ores to oxide ores, ठीक है? This is calcination is going to do this. ये कार्बोनेट ओर्स को कन्वर्ट करता है इनटू ऑक्साइड ओर्स. ठीक है, नंबर टू इट इज गोइंग टू कन्वर्ट, नंबर टू इट इज गोइंग टू रिमूव वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ओर्स हाइड्रेटेड ओर. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल्यूमिना है, एल्यूमिना इज अ हाइड्रेटेड ओर. हाइड्रेटेड ओर कौन सा होता है, जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहेगा. तो वाटर को रिमूव करेगा कैल्सिनेशन, एंड नंबर थ्री इट विल रिमूव द
volatile impurities from the concentrated ore. Okay? It is going to remove volatile impurities from the concentrated ore. So let's take over here two examples. We are taking the ore calamine. Calamine kya hota hai? Zinc carbonate. Isko jab hum heat karenge, this is going to give us zinc oxide plus carbon dioxide. So what is calcination doing? We are heating the ore in absence of air such that isme se zinc oxide, carbonate ore that is converted to oxide ore. Samajh aaya? Fir uske baad second, let's take an example. We are taking FeCO3. This is known as siderite. Siderite ko jab hum heat karte hain, this is going to be converted into again FeO and CO2. Theek hai? Have you understood? So this is the first thing, that is calcination. Calcination mein we are going to heat the concentrated ore in absence of air. Because of calcination, carbonate ore will be converted into oxide ore. Number 2, water. Agar hydrated ore hai, to water usme se remove ho jayega. Number 3, agar volatile impurities hai, volatile impurities kaun si hui? Jaise for example, yahan pe हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसी तरह से हमारे पास इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है सल्फर की. तो सल्फर जो है इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर. जो सेकेंड मेथड होता है दैट इज रोस्टिंग. सो वी आर हैविंग द सेकेंड मेथड ओवर हियर. विच इज रोस्टिंग. Now, what is roasting? Roasting, that is going to be the process of heating concentrated ore strongly in the presence of excess air. So roasting mein hum log kya kar rahe hain? We are using air. Now what is roasting going to do? The first is that over here the sulfide ores are converted into oxide ores. Number 2, moisture is going to be removed. Agar moisture usme present hai. And number 3, volatile impurities they are going to be removed. So these are the three things which roasting that is going to do. Right? So let's take an example. We are taking a sulfide ore zinc blend. So you can see over here that it is converted into zinc oxide. ठीक है? इसको आप क्या बोलते हैं उसको balance कर लो. So we are going to get 2 over here, 3 over here, 2 over here and 2 over here. ठीक है? So ZnS plus 3O2 to give us zinc oxide plus sulfur dioxide. This is what it is going to do, roasting. Then second, we can take another example. If we have iron pyrites, that is so FeS2, this is going to be iron pyrites. This is going to be oxidized into Fe2O3, oxide of iron plus sulfur dioxide. Okay? So this is what we have over here. This is known as roasting.
Now we've done two processes. One is roasting and one is calcination. Let's see dono mein difference kya hai. Difference between roasting and calcination. Difference between roasting and calcination. Number one, roasting kya hota hai? In roasting, ore is heated in presence of oxygen. And in calcination, it is heated in absence of oxygen. ठीक है? आपने पूरा sentence लिखना है, मैंने पूरा नहीं लिखा है. यहाँ पे आपने लिखना है, in roasting, the ore is heated in presence of oxygen, and in calcination, it is heated in absence of oxygen. ठीक है? Number two, it is used to roasting is used to convert sulfide ores into oxide ores. Okay? और calcination में हमने क्या लिखना है? That over here, the carbonate ores are converted into oxide ores. Okay, then we go to number 3. Over here, in case of roasting, volatile impurities, they are going to be removed. Okay, so roasting mein hum kya kar rahe hain? Volatile impurities are removed, whereas in calcination, hum kya kar rahe hain? What is going to be removed? Moisture and impurities. Moisture and impurities, both are going to be removed. ठीक है? So this is two processes which we have. Now what? Roasting में तो बोले moisture भी removed. मैंने क्या उल्टा लिख दिया? हाँ, roasting में आपका moisture और volatile impurities, या moisture और इसको इधर उधर कर दो, moisture and impurities are removed और यहाँ भी volatile impurities are going to be removed. ठीक है? So we have over here, in case of calcination, moisture and organic impurities are removed, and in case of roasting, volatile impurities are going to be removed. ठीक है? So this is what we have. We've done two processes. और इन processes में हमने क्या करा है? First में हमने carbonate ore को oxide में convert करा है. और second में हमने किसको convert करा है? Sulfide ore को oxide में convert करा है. तो अब हमारे पास क्या आ गई? Now we have oxide ores. अब next जो हमने process करना है या step लेना है, that is going to be for the oxide ores. ठीक है? So let's go on to the next. Conversion of metal oxide to metal. Second now, हमारे पास metal oxides present है. Conversion of metal oxides to metals. This is going to be our next step. Now over here, जो metal oxide को हम लोग convert करते हैं metals, that will depend upon the fact कि reactivity metals की कितनी है. तो हमें already पता है जब हम activity series करते हैं, तो हम metals को classify करते हैं into very reactive metals, into moderately reactive metals, and into very low reactivity metals. So depending upon the reactivity of the metals, जो हम कह सकते हैं processes जो involved होते हैं, वो depend करता है कि metals की reactivity कितनी है. ठीक है? So let's take one by one. The first one which we are taking is extraction of metals in the low activity series. Which means that over here we are going to take metals of low reactivity.
we are going to take metals of low reactivity. ठीक है? Now when we taking metals of low reactivity, आपको पता है जो low reactivity metals वाले metals होते हैं, they are going to be silver. ठीक है? So when we taking low reactivity silver, sorry mercury, we are taking over here mercury. So mercury and copper, they are going to be low reactive, and silver, gold and platinum, they are going to be taken as not reactive at all. Okay, वो तो वैसे भी हमने पढ़ा था कि they are going to exist in their native state, right? So when we taking the low reactivity series, in this case they are obtained from their oxides by simply heating in air. जैसे for example हमने क्या कर चुके हैं already, हमारे पास silver present होता है in the form of sulfide ores. This is known as सिनेबार. ठीक है, तो हमने इसको रोस्ट कर दिया था पहले पिछले वाले स्टेप में. रोस्टिंग का मतलब हुआ हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बुला रहे हैं, दिस इज नोन एज रोस्टिंग. नाउ ओवर हियर दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, नाउ इन दिस प्रोसेस जो हम कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड को मेटल में करेंगे, तो जो लो रिएक्टिविटी वाले ऑक्साइड्स होते हैं उसको हम फर्दर जनरली सिर्फ हीट करते हैं. सो वी हैव 2HGO, व्हेन दिस इज गोइंग टू बी हीटेड वी आर गोइंग टू गेट मर्करी प्लस ऑक्सीजन. सो हमारे पास अभी यहां पे क्या आ गया, वी हैव फर्दर रिस्पेक्टिव मेटल. ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग कॉपर, कॉपर सल्फाइड हम लोग ले रहे हैं, तो कॉपर सल्फाइड इज Cu2S, इसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. ऑक्सीजन रोस्टिंग, दिस इज गोइंग टू गिव अस Cu2S, सॉरी Cu2O प्लस 2SO2. ठीक है, फिर हम इसको जो वापस कॉपर ऑक्साइड है इसको हम हीट कर देते हैं, एंड ऑन हीटिंग दिस वी आर गोइंग टू गेट कॉपर प्लस ऑक्सीजन. नाउ ओवर हियर प्लीज रिमेंबर कि इट इज नॉट सो इजी टू हीट Cu2O कि उसको हम डीकंपोज कर सके, तो हम इसे फिर से इन प्रेजेंस ऑफ Cu2S ही हीट करेंगे. सो आवर रिएक्शन ओवर हियर बिकम्स प्लस Cu2S, दिस इज गोइंग टू गिव अस 6Cu प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. सो ओवर हियर अगेन वी हैव गॉट द मेटल. ठीक है, सो जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनको हम इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देन वी गो ऑन टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल एक्टिविटी सीरीज. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और moderate reactivity. ठीक है, metals of medium reactivity. Now the metals of medium reactivity, what we are going to do over here, first of all इसमें metals हमारे पास कौन से आ जाते हैं, we will have iron, then we can have zinc, we can have lead, and copper may also be considered over here. Okay, now over here these are of course first converted into their oxides, जो कि हमने रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से कर सकते हैं. फिर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर गोइंग टू डू द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, राइट, वी आर गोइंग टू डू द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स. ये जो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स हम कर
करते हैं ये हम दो चीजों के साथ या दो substances के साथ कर सकते हैं. One, the first one which we are going to do, that is reduction rate of carbon. ठीक है, so carbon को हम लोग जो moderately reactive metals होते हैं जो कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे हमने करा जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो है इनके ऑक्साइड्स को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग कार्बन एज द रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये जो कार्बन हम एज रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं दिस कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ कोक. ठीक है, कोक इज अ फॉर्म ऑफ कोल विच वी हैव, सो कार्बन दैट कैन बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ कोक. ठीक है, व्हाई आर वी यूजिंग कोक, दैट इज द क्वेश्चन. द रीजन इज दैट कोक जो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी चीप मेथड ऑफ रिडक्शन. ठीक है, सो ये वन मार्क का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल एक्टिविटी सीरीज, दैट इज बिकॉज coke that is going to be a cheap reducing agent, right? Is it clear? But iska ek disadvantage bhi hota hai, wo likh lo. The disadvantage of using carbon as reducing agent, the disadvantage of using carbon as reducing agent is that small traces of carbon are added, small traces of carbon are added to metal as impurity. Therefore, it contaminates the metal. ठीक है, एनी हाउ लेट्स से इस पे रिएक्शंस कैसे होएंगी. जैसे हमने जिंक का ऑक्साइड ले लिया, इसको हम कार्बन के साथ हीट करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस द मेटल. इज इट क्लियर? इन अ सिमिलर मैनर वी कैन टेक आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, इसको हम लोग कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 2 Fe प्लस 3 CO. सो अगेन यू कैन सी दैट Fe2O3 दैट इज रिड्यूस्ड टू Fe. ठीक है, और अगर हम लेड का ऑक्साइड ले लें, रिड्यूस इट विद कार्बन, इट इज गोइंग टू गिव अस लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. So all of them, they are going to give us the respective metal. ठीक है? Second जो हम reducing agent इसमें use करते हैं, that is going to be carbon monoxide. Carbon monoxide as reducing agent. Now in this case, generally ये जो है, this is used इन केस ऑफ आयरन. ओके, एक आप कह सकते हो एक एपरेटस होता है जिसको हम ब्लास्ट फर्नेस बुलाते हैं, तो उसमें हम लोग रिडक्शन करते हैं, सो वी आर टेकिंग ओवर योर ऑक्साइड ऑफ आयरन विच इज Fe2O3 प्लस CO. सो यहां पे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे. आप जब बड़े हो जाओगे सीनियर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि हम क्यों इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर रहे हैं और इन सब में हम कार्बन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल डायग्राम्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं इलिंगम डायग्राम्स, उसके बेसिस पे हम इसको करते हैं, बट अभी हमें उसको करने की जरूरत नहीं. ठीक है, सो वी आर हैविंग Fe2O3 प्लस CO, दिस इज गोइंग टू गिव अस प्लस CO2. सो this is how you can balance it, right? फिर उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, रिडक्शन हम करते हैं, द प्रोसेस दैट इज नोन एज रिडक्शन विद एल्यूमिनियम.
एल्यूमिनियम को यूज करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्माइट प्रोसेस. This process is known as thermite process, or it is also known as alumino-thermy. So whenever we are reducing it with aluminium, usko hum thermite process ya alumini bulate hai. Alumino-thermy bulate hai. ठीक है? Now over here manganese ke ores ko कर सकते हैं हम. प्लस Al4O3, ठीक है. उसी तरह से आप क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हो, क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Cr2O3 प्लस Al2O3, ठीक है. सो यू गेटिंग द रिस्पेक्टिव मेटल्स. सो ये अब हमने क्या किया है, सेकेंड टाइप ऑफ मेटल्स हमने करे हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल एक्टिविटी सीरीज. नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द हाई एक्टिविटी सीरीज. Extraction of metals in high activity series. यहाँ पे जो हम लोग generally reduction ही करते हैं, but यहाँ पे जो reduction करते हैं, उसको हम करते हैं by a process which is known as electrolysis, which means कि हम लोग उसके aqueous solutions में क्या करेंगे? We are going to pass current, जिसकी वजह से the metal that is deposited at one electrode, मैंने आपको बताया था कि electrodes क्या होते हैं, they are going to be metal strips. राइट, सो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जब हम हाई एक्टिविटी सीरीज से करते हैं, तो इन दैट केस द प्रोसेस दैट इज नोन एज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. सो लेट्स सी हाउ द एपरेटस लुक्स लाइक. आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, बट जस्ट दैट कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो. एक सेल बनाते हैं हम, उस सेल को हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. राइट, अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, दैट इज गोइंग टू हैव टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, या क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, तो लेट्स से टू रॉड्स ओवर हियर व्हिच शुड बी नॉन रिएक्टिव. नॉन रिएक्टिव का मतलब हम यहां पे कार्बन की रॉड्स दे देते हैं, ठीक है, कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड्स दे देते हैं, और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं विद अ बैटरी. फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो छोटा बार होता है दैट इज द नेगेटिव, और बड़ा जो बार होता है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो दिस इज गोइंग टू बी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. जो नेगेटिव रॉड होती है इसे हम बुलाते हैं कैथोड, ठीक है, और जो पॉजिटिव रॉड होती है इसे हम बुलाते हैं एनोड. जिसका हमको मतलब जैसे हमको जो मेटल एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी एक रिएक्टिव सॉल्ट से, जैसे फॉर एग्जांपल हमको सोडियम क्लोराइड से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लेंगे. मोल्टन मतलब हमने मेल्ट कर दिया, ठीक है. सो वी हैव टेकन ओवर हियर मोल्टन सोडियम क्लोराइड. ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड या जो भी हम जिसका भी हमको करना है, चाहे हम लोग एल्यूमिना ले रहे हैं या हम मोल्टन NaCl ले रहे हैं, जिसका भी हमको रिडक्शन करना होता है, इसे हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. नाउ ओवर हियर जैसे ही हम करंट पास करेंगे, सो लेट्स डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl.
molten NaCl, जैसे ही हम current pass करेंगे, जो NaCl है, ये dissociate हो जाएगा into Na positive and Cl negative. ठीक है? This is going to be dissociated into Na positive and Cl negative. Now there are two different reactions which are going to take place. One is going to take place at the cathode, and the other one that is going to be take place at the anode. ठीक है? यहाँ पे जो positively charged ion होता है, उसको हम बुलाते हैं cation. Okay? और जो negatively charged ion होता है, उसको हम बुलाते हैं anion. तो आपको पता है opposite charges are going to attract each other. यहाँ पे जो Na positive होगा, वो negative terminal की तरफ को attract होगा. और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में मेटल्स कहां डिपॉजिट होंगे? एट द कैथोड. ओके, सो लेट्स सी टू रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस. फर्स्ट रिएक्शन दैट इज एट द कैथोड. सो कैथोड में क्या हो रहा है? रिडक्शन होती है. रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पढ़ाया हमने. सो Na पॉजिटिव plus one electron to give us Na. ठीक है? और secondly, sorry, anode पे क्या reaction होगा? Cl negative will lose two electrons to give us Cl2 negative. So now where the metal that is going to be deposited? That is deposited at the cathode. So this is electrolytic reduction, which may be done for all those elements which are highly reactive. ठीक है? A similar kind can be done for aluminium. Aluminium में हम Al2O3 ले रहे थे, तो cathode पे क्या deposit हो जाएगा? Aluminium is going to be deposited at the cathode. फिर उसके बाद cell को हम लोग disconnect करके जो मेटल डिपॉजिट हुआ है इस कैथोड के ऊपर उसको हम रिमूव कर सकते हैं. डिड यू गेट इट? सो दिस इज व्हाट ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर टुडे. द लास्ट लेसन व्हिच वी विल डू दैट इज गोइंग टू बी प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. तो अब हम कहां तक पहुंच गए हैं? हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है. शुरू हमने कहां से किया था? बड़े बड़े पत्थर थे, उनको हमने ग्राइंड किया, ग्राइंड करके फिर पाउडर में कन्वर्ट किया. सेकेंड मेथड में हमने उसमें से मोटी मोटी इंप्यूरिटीज निकाल ली, जिसको हम लोग एनरिचमेंट ऑफ द ओर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर बुलाते हैं. फिर उसके बाद हमने ओर्स को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया. ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के बाद देन वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द मेटल डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन इन द एक्टिविटी सीरीज. ठीक है? जो बिल्कुल ही लो एक्टिविटी सीरीज में है उसपे हमने फर्स्ट मेथड किया था, जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ हीट कर रहे हैं. सो हीट करके हम उसको मेटल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. सेकंड मिडिल एक्टिविटी सीरीज, उसमें हम रिडक्शन से करते हैं. तो टू मेथड्स हमने रिडक्शन के किए. इनफैक्ट थ्री किए. फर्स्ट हमने रिडक्शन की थी सिर्फ कार्बन के साथ, सेकेंड रिडक्शन हमने की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और थर्ड रिडक्शन हमने करी एल्यूमिनियम के साथ. ठीक है? फिर थर्ड, अब हमारे पास हाई एक्टिविटी सीरीज वाले आ गए, तो उसको हम किस मेथड से करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. सो नाउ वी हैव एक्सट्रैक्टेड द मेटल. जो एक्सट्रैक्टेड मेटल भी हमारे पास होता है उसमें काफी सारी इंप्योरिटीज जो है वो उसके ऊपर स्टिक होके रहती है. अब हमने उन इंप्योरिटीज को रिमूव करना है. दैट वी विल डू इन द लास्ट स्टेप व्हिच इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. ठीक है?